Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. Hope you all are doing very well. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड ये देखें, ये मेरा बच्चा. क्या है ये? What is it? इतनी सारी बुक्स. पेन किधर है आपका? बेस पेन. अच्छा, इसकी तो किताबों का साथ ऐसे रोला चलता रहेगा. ठीक है, कल हम दोनों गए थे आहद और अब्दुल्ला, हम गए थे जिलानी बाग, रेसकोर्स पार्क गए थे. और बहुत हमके पता नहीं क्यों थोड़ी देर ही वहाँ पे हम घूमे फिरे हैं. शायद हमें एक्टिविटी करने की इतनी आदत नहीं है. और मेरी तो टांगों में अभी तक दर्द हो रही है. इसको भी रात को आके इसकी मालिश की, इसकी टांगे दबाई. और इसको पता नहीं क्यों जुकाम भी हो गया है. जुकाम आई डोंट नो क्यों हुआ है. अभी इतना मौसम तो ठंडा है ही नहीं, गर्मी पड़ रही है, तो फिर भी इसको जुकाम हो गया शायद. ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड ब्लेस यू. नोजी साफ करो, क्लीन नोजी. आहत क्लीन नोजी, क्लीन नोजी. तो बस इसको जुकाम हो गया, ये थोड़ी सी आवाज इसकी बैठी हुई है. और काम करने का तो कोई दिल नहीं कर रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा ये काम. ये देखे ना, ये अभी भी निकाल निकाल के फेंके जा रहा. आहद क्या है ये? सारे शॉपर आएंगे, डस्टबिन वाले चीजें निकाल निकाल के फेंके जा रहे हो. क्या ढूंढ रहे हो आप? ये उठाओ नीचे से बुक का पेज भी. सारी किताबें हमने फेंक दी, अभी मैंने उठाई थी सारी की. सफाई करने ही नहीं देते हो आप. ये मम्मा का है, तो मम्मा को साथ. अच्छा, सबसे पहले तो इसको खाना बना के देंगे, रोटी बना के देंगे, खुद रोटी खाऊंगी, उसके बाद सफाई करूंगी. और शायद इसको सुला के सफाई करूंगी, इसको दवाई पिलाऊंगी, इसको सुलाऊंगी और फिर सफाई करूंगी. कमरा देख लें, सारा बिखरा हुआ है. और कुछ जो नहीं बिखरा था वो इसने बिखेर दिया. ये इसकी सैंक बुक्स हैं, ये ड्राइंग बुक है. दिस इज द ड्राइंग बुक. ये ड्राइंग बुक है. ये इसकी सैंक बुक में ये कौन सी है? इसकी अल्फाबेट्स है, ये मैथ्स है. ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और कॉमेंट भी कर दे. एक प्यारा सा अदुल्ला दूदू दूदू. वॉट अदुल्ला दूदू रूडू? किधर है अदुल्ला? डैडी कहते हैं, अब्दुल्ला नहीं कहते. बाप का नाम नहीं लेते. अच्छा चलो, आओ चले, आओ रोटी बनाए ना. रोटी रोटी खानी मेरे बेटे ने. चलो रोटी बनाओ के दूं मैं. आओ इसको आके पढ़ेंगे, पहले रोटी बना के दूं मैं. चलो रोटी बना के देते, आके पढ़ेंगे बुक. स्कूल बैग उठाओ, ये अपना उठाओ उठाओ, पिक इट अप, गुड बॉय. चलो चल चल रोटी बनाए. आहत क्या करते हो आप? सालन गरम हो रहा है. चल जी, आहत की और अपनी रोटी बना लाई होंगे. अब्दुल्ला गए में. आ जूता नीचे रखो, बेटे जूते नीचे रखो ना, रोटी के साथ नहीं रखते बेड पे. हाँ, ये आहत का सालन है, वो मम्मी का सालन है. ये आहत की रोटी है, चीजें मम्मी की रोटी है. ठीक है, आप ये ट्रे में खाओ, ट्रे में रख के खाओ, मम्मा बाद ट्रे के बगैर खा लेगी. ठीक है, आप खाओ पहले. नीचे नहीं गिरानी चादर पे, वैसे तो चादर चेंज होने वाली, खा लो आप. ठीक है, ये रोटी देती हूँ आपको. गला में गरम, हॉट, वेरी हॉट, हॉट, यस इट्स हॉट. इज इट हॉट? इज इट हॉट? ओके. जुकाम फ्लू भी हो रहा है आपका, नाक भी आ रहा है, रोटी भी खानी है. हाँ जी खा लो. इधर देखो, क्लीन नोज. चलें जी, इसको खाना खिलाते हैं और फिर मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि इसको एक एक रोटी का नवाला. जी बेटा जी, खा लो, खाओ.
बस बस थोड़ा 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 लगाओ, थोड़ा सालन लगाओ, बस आहत ईट ईट अच्छा हॉट नो इट्स कोल्ड, हो गया ठंडा खा लो, इज इट इट्स नॉट हॉट, यमी है, यस यस ईट, चलिए इसको खाना खिलाते हैं, ठीक है फिर मिलते हैं। बीमार है ये लड़का लेकिन इसको सुकून नहीं है, ये बाप की सारी कैंडीज, ये अभी मैं सारा कुछ उठाकर बाहर गई थी और इसने सारा कुछ फिर फेंक दिया। ये लो मम्मा अपने हैंड से खिलाएगी, ये लो बाइट, वन बाइट मम्मा के हैंड से, आहत आहत मम्मी नहीं खा रहा, बस पेट भर गया इसका, जितना खाना इसने खाना था इसने खा लिया, चार पांच रुमाली ही खाता है बाकी है। अब इसको दूध पिलाऊंगी, दूध दूंगी और फिर उसके बाद सफाई करूंगी, क्योंकि ये जागता रहेगा तो सफाई नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है और टांगों में मेरी इतनी शदीद बेचैनी हो रही, मैं तो अपना दिल कदम सोचू, लेकिन पहले मैं इसको सुलाऊंगी तो मैं काम करूंगी, फिर अगर टाइम मिला तो सोऊंगी। बेटा मेरा सो गया ठीक है, उसे हल्का सा बुखार भी हो रहा था और जो है ना क्या नाम है, मैंने यहाँ पे लाइट जला ली है अपनी ड्रेसिंग की और ये एक रिंग लाइट जला ली है, ये क्योंकि ऊपर कमरे की लाइट है मैंने बंद की है क्योंकि वो सोया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पैराडोल दी है, दवाई पिलाई है एंड अब जो है ना मेरे हाथ उसके हल्के से सर में दर्द हुई थी, बस कह रहा था मेरे पास सर पे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहो, मैंने उससे हल्का सा सर पे हाथ फेरता है फेरा और वो सो गया। देखे अब वो सो रहा है इसलिए उसको सोने देते हैं, लाइट नहीं जलाऊंगी मैं क्योंकि उठ जाएगा तो फिर तंग करेगा, सोएगा जितना उतना रेस्ट करेगा तो उतना ही ज्यादा बेहतर जल्दी से हो जाएगा। चादर मैंने चेंज करनी थी बेडशीट, लेकिन अब वो सो रहा है तो उसे सोने देते हैं, तब तक मैं ये बाकी जो समेटा समेटी है ना ये कर लेती हूँ और सफाई कर लेती हूँ, ठीक है चलो सफाई करके मिलते हैं और खामोशी से रहते हैं। चलो जी समेटा समेटी तो हो गई है और जितना भी था ये मेरा दुपट्टा पड़ा है जो भी मैं लूंगी और यहाँ से भी सब क्लीन हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सोया हुआ तो मैं एक दो काम मेरे और है मैं वो भी कर लूँ, बाहर तोरी बनी है खाना खुना सबने खा लिया, लेकिन मेरे अपने एक दो पर्सनल काम है वो कर लेती हूँ क्योंकि ये सो रहा है और अगर फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर सो जाऊंगी, क्योंकि मैं भी रात से ठीक से सोई नहीं हुई, इसकी तबीयत जब खराब होती है तो बहुत क्रैंकी हो जाता है, फिर इसको नहीं 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 करता रहता है, वैसे तो दिन के टाइम तो खेलता है लेकिन रात के टाइम जो है ना वो रात सोना मुश्किल कर देता है, रात के टाइम इसको बुखार भी हो जाता है और ये सोना मुश्किल कर देता है, अभी तो कितने सुकून से सो रहा है क्योंकि ये रात को नहीं सोया, सारी रात ये बस ऐ करता रहा है कभी अब्दुल्ला के पास कभी मेरे पास, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सो जाऊंगी थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले मैं अपने काम निपटा लूँ, ठीक है तो वीडियो एडिट्स करनी है और डालनी भी है तो वो अपने काम कर लेती हूँ फिर जो है फिर सोते, ठीक है चलो चलो जी। बेड की चादर चूदर भी मैंने झाड़ ली है, कमरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, तो अभी मैंने बाहर मशीन लगा लिया है, मैंने सोचा जो कपड़े धोने वाले हैं वो धो धो लेते हैं, आज होके उठ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसका बुखार भी ठीक हो गया, अब रात को चढ़े तो कुछ कह नहीं सकते, फिर भी दोबारा उसे एक दफा पैनाडोल शैनाडोल पिला दूंगी, मेहमान आ गए हैं, मैं सोच रही हूँ खाना बना लेते हैं, तो अब खाना बनाते हैं और मेहमानों को अटेंड करते हैं। चले जी रात का टाइम हो गया कुछ 11:30 और अब ये पीछे लग गया कि मुझे बाहर लेके जाओ, इसका दूध आएगा चीजें आएंगी और हम फिर बाहर जाएंगे तो बस बाहर चलते हैं, चलो चले आहत चलो आहत चलो लाइट बंद करो चलो चले चलो मेरा बेटा उतरो नीचे आओ चले उतरो, चाबी कीज किधर है, वेयर्स कीज, देयर्स कीज, कीज ले लो कीज, ये कीज ये कीज ये बाइक कीज, इसे बाप ने अंदर भेजा है कि जा मम्मी को लेके आ, चलो चलो मम्मी हाउ आर यू मम्मी आर यू ओके, बुखार तो नहीं हो रहा अब, चलो चले नहीं जा रहे, टॉय किधर है आपका, वो टॉय उठाओ वो टॉय उठाओ उठाओ टॉय, अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं आप,
डैडी कह रहे हैं आपको नहीं लेके जाना। मामा करेगी मामा। अभी करेगा यही लगता है। नो 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 टर्न इट ऑफ। अहे हाय टर्न ऑफ। आहद बेटा आओ ये देखो। तो तुम इतनी वाओ स्कूल। यू वांट टू गो टू स्कूल? देन गो 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 टू स्कूल। दिस इज दी नॉलेज स्कूल। व्हाट इज द लेटर? Wow, T for D, K for knowledge, S for school. आज इधर आज उधर ना मैं जा रही हूँ। चले जी यहाँ पे अब्दुल्ला बर्गर ले रहे हैं। मैंने आहत के दूध और वो सब दवाइयाँ शवाइयाँ ले ली थी जो अपनी मेडिसिन लेनी थी। अब आहत अब्दुल्ला दूरी आहत इधर आ जाओ। वो किसी का घर है इधर आ जाओ। अब अब्दुल्ला जो है वो अपना बर्गर शर्गर ले रहे हैं और फिर हम घर जाएंगे। बस आहत यहाँ पे खेल रहा था तो मैं भी इसके साथ इस गली में आ गई। पता नहीं किसकी गली है किसका घर है। इस मेरे बच्चे को बुखार है और बुखार के साथ साथ इसको जो है ना पर ये सुकून नहीं कर रहा। ये देखो भाग रहा है। पता नहीं किसकी गाड़ी है किसका घर है। आहत आ जाओ इधर आ जाओ। कोई है इधर? कम समवन इज देयर। कम बाबा व्हाइट शीप हैव यू एनी। इधर है लाइट्स। आहत वेयर इज द लाइट्स? लाइट्स लाइट्स। चलो जी फाइनली हम घर आ गए। ठीक है। और ये देखो आहत आहत फिर इधर चढ़ के आके दूध पी रहा था अच्छा भला और यहाँ पे चढ़ गया था। मैंने अपने लिए लिया है ये बारबेक्यू। अब्दुल्ला ने लिए थे अपने लिए बर्गर्स और हम घर आ गए। आहत का ये दूध लेना था और अपनी छोटी मोटी थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी वो शुभ ले लू के हम घर आ गए। आज का ब्लॉग इतना छोटा सा था। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इन द बिलो सेक्शन। मेरा बेटा बीमार था तो मैंने सिर्फ इतना ही वीडियो बनाई एंड मुझे मेरे बेटे को दुआओं में याद रखी कि मेरे बेटे को दुआओं की बहुत जरूरत है। शरारते करता है और टिकता नहीं है और फिर जो है ना क्या नाम बीमार है। जी बेटा तो बस ठीक है ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना इतने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।